मैं हूं नफीसा खान और आप सुन रहे हैं फिल्मी बीट। दीपिका पादुकोण और सलमान खान के चाहने वालों के लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि कबीर खान बहुत जल्द सलमान खान और दीपिका पादुकोण को लेकर एक फिल्म बनाने वाले हैं। जी हाँ, और सुनने में ये आया है कि ये फिल्म एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी। काश कि एक रोमांटिक फिल्म होती तो फैंस दीपिका और सलमान को एक साथ स्क्रीन पर ज्यादा देर तक रोमांस करते हुए देखते। खैर कोई बात नहीं, रोमांटिक ना सही, एक्शन थ्रिलर ही सही। कम से कम ये दोनों एक साथ स्क्रीन तो शेयर करेंगे। वैसे दीपिका पादुकोण कई मौकों पर सलमान के साथ काम करने की ख्वाहिश का मुजाहिरा कर चुकी हैं। और फाइनली जब उनकी ख्वाहिश पूरा होने का वक्त आ गया तो दीपिका पादुकोण ने लगे हाथों एक शर्त भी रख दी। और शर्त ये है कि वो फिल्म में अपना रोल सलमान के बराबर ही चाहती हैं। वो ये नहीं चाहती कि वो सलमान की फिल्म में महज एक शो पीस बन के रह जाएं। और उनकी इस शर्त को डायरेक्टर कबीर खान ने मान भी लिया है। और वैसे भी ये शर्त जायज ही है, क्योंकि भाई बॉलीवुड में एक के बाद एक लगातार सुपरहिट फिल्म देने के बाद दीपिका पादुकोण हॉलीवुड में भी अपनी शुरुआत कर चुकी हैं। तो ऐसी टॉप की एक्ट्रेस को अपनी फिल्म में लेने के लिए कबीर खान को उनकी शर्तों को तो मानना ही होगा। वैसे आपको बता दें कि जनवरी 2017 में दीपिका पादुकोण की पहली हॉलीवुड फिल्म XXX द जेंडर किड रिलीज होगी। और इसी फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में आजकल वो अमेरिका में है। तो ये थी खबर सलमान खान और दीपिका पादुकोण की नई फिल्म से जुड़ी हुई। इसी खबर के साथ फिल्मी बीट में बस इतना ही।